जी तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपसे बात करेगा हैमस्टर कॉम्बैट के हवाले से, क्योंकि इसकी लिस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है और धड़ाधड़ जो है आपके सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक सवाल कल से आ रहा है और आज भी मुझे दो चार लोगों ने शेयर किया कि शायद भाई हमारे तकरीबन जो है 6 से 7 अकाउंट है, तो मैं एक बंदा हूं अपने नाम से, अपने CNC के साथ मैंने अपनी KYC बिनांस की, OKX की, बायबिट की हुई है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास जस्ट जो है बिनांस का अकाउंट है और मेरे पास हैमस्टर के जो है 6 अकाउंट हैं या 7 अकाउंट हैं, तो मैं इनका मल्टीपल जो है विड्रा मैंने लेना कैसे लूंगा और कैसे जो है मैं यहाँ से बच सकता हूँ कि मेरा IP एड्रेस यहाँ पे डिटेक्ट ना हो और मैं बच भी जाऊं और मुझे विड्रा भी मिल जाए, मुझे ये पकड़ भी ना सके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये हमेशा जो आता है जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो ज्यादा एयर ड्रॉप कमाने के चक्कर में, जो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये काम करते हैं, तो वो ये काम करते हैं और उनके लिए अब जो है बहुत बड़ा मसला है। तो वो मेरे टीम के मेंबर भी हैं जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप क्या करेंगे ताकि आप जो है अपनी मेहनत जो है बचा पाए और आप यहाँ से प्रॉफिट भी गेन कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। तो आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं आपकी फेवर में होता हूं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली ऑथेंटिक और अच्छी खबर आप तक इजीली उसका नोटिफिकेशन वीडियो मेरी का आप तक पहुंच सके। और आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया, लाजमी ज्वाइन करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वहां पे जस्ट आपने ज्वाइन ही नहीं करना, एक्टिव भी रहना, वहां पे जो वॉइस आ रही है, जो मैसेज आ रहा है, जो अपडेट आ रही है, तसल्ली से देखें, उस पर काम करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे सामने एक बहुत बड़ा आपका सवाल आता है कि शायद भी हम क्या करें, क्योंकि हमने तो तकरीबन 3 महीने से 6 महीने हो गया, हमने यहाँ पे मेहनत की हुई है, हमारी मेहनत आपने बचानी है, तो आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है वो बचाएगा। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका CNC बना हुआ है, अगर शादीशुदा नहीं भी है, अगर आपका CNC बना हुआ है तो एक लीगल तरीका कौन सा है कि आप अपना बिनांस अकाउंट बनाएं, बायबिट बनाएं, OKX बनाएं, कोकोइन बनाएं, गेट.io बनाएं, मैक्सी ग्लोबल बनाएं, सारे अपने अकाउंट जो है बना के रखें ताकि आप जो है लीगल तरीके से अपना विड्रा कर सकें और आपका लॉस भी ना हो। अगर तो आपका CNC नहीं है, आपके वालिद साहब का तो है, आपकी वालदा साहिबा के भी है, घर में भाई है उनका भी है, सिस्टर है उनका भी है, तो ये आप उनकी KYC जो है कर सकते हैं अपने मोबाइल में, बिनांस बना ले, OKX, बायबिट, ये तीन तो यार लाजमी बना ले, ठीक है। अगर आपके 6 अकाउंट है, एक बिनांस, बायबिट, यहाँ पे OKX, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑन चेन वैलेट और यहाँ पे टेलीग्राम वैलेट और क्या आएगा टोनकीपर, तो ये आप कर सकते हैं। अगर तो आप जो है एक ही एक्सचेंज के अंदर विड्रा लेना चाहते हैं तो भाई ये आपको मैं बता दूं, ये होता रिस्की है, क्योंकि जब एक्सचेंज वाले आपको जो है आपका विड्रा देंगे तो उनको पता लगेगा कि एक ही एड्रेस के अंदर मल्टीपल वैलेट्स के जो टोकन जा रहे हैं, तो एक ही एड्रेस के अंदर तो वो जो है वहां पे गड़बड़ हो जाती है, वो आप अपने ले रहे हैं, वो आप अपनी टीम के ले रहे हैं, वो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के जो है एक ही एक्सचेंज में आप चाहते हैं कि बाकी मोबाइलों में एक्सचेंज नहीं है, एक ही एक्सचेंज के अंदर आप सारे टोकन विड्रा कर लें, तो ये एक रिस्की हो जाता है। बट ऐसा केस मेरे सामने कोई एक आधा आया था, अदरवाइज बहुत ज्यादा लोग जो ऐसा कर भी रहे हैं कि वो 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट का विड्रा एक ही एक्सचेंज में लेते हैं। ये मैंने कहाँ देखा, मैंने नॉट क्वीन में देखा, मैंने डॉग में देखा और रिसेंटली अभी मैंने देखा इसमें जो लोग इसमें लगा रहे हैं कैटीजन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने देखा। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन है रिस्की। अगर तो आपका IP एड्रेस डिडक्ट हो गया, पकड़ लिया उन्होंने, तो फिर आपको 0 मिलेंगे या तो फिर हो सकता है 1 अकाउंट के आपको मिल जाए, अदरवाइज क्या होगा कि आपको कुछ भी नहीं मिलना है, यहाँ से आपके सारे टोकन लॉस हो जाएंगे। रिस्क लेने से बेहतर है आप अकाउंट बना लें, बिनांस का होना चाहिए, OKX का होना चाहिए, बायबिट का होना चाहिए, टोन कीपर होना चाहिए, टोन वैलेट होना चाहिए, 5 तो आपके ये बनते हैं, एक और भी आप जो है अपना टेलीग्राम का जो वैलेट है उसमें लगा दें। कोशिश किया करें, अगर एक जैसे ये मेरी डिवाइस है, मेरे पास 3-4 और भी डिवाइस हैं, मैंने सबके अंदर अलग अलग जो है अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है। अब अगर ये मेरी डिवाइस है, इसके अंदर अगर मेरे 4 अकाउंट है तो मैं कैसे विड्रा करूंगा, एक टोन कीपर, एक टोन वैलेट, एक बिनांस, एक बायबिट, या अगर 5वां होगा तो वो मैं कर लूंगा OKX, ठीक है। आप इस तरह काम करें लीगल तरीके से ताकि आप अपनी मेहनत बचा पाएं, आपका लॉस
ना हो, ये चीजें जो है मैंने आपको बतानी थी। बहुत बड़ा इशू है, ताकि आपका अब इशू मैंने क्लियर कर दिया, ताकि नेक्स्ट आने वाले वक्त में किसी भी एक्सचेंज के अंदर किसी भी टोकन का या एयरड्रॉप का विड्रा करने में आपको जो है मसला पेश ना है, आपको हर चीज का पहले आपके भाई ने बता दिया, आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।